व्हाट्सएप चलाने वाली लड़कियां हो जाइए सावधान, दिल्ली में घट गई ऐसी घटना कि जानकर कांप उठेगी रो। लड़कियों के साथ हो रहा घिनौना खेल, दिल्ली में किराए में रहने वाली लड़कियों के साथ हो रहा घटिया मजाक, बाथरूम और बेडरूम में लगे मिले स्पाई कैमरे, व्हाट्सएप से जुड़ा है मामला, आप भी है अनजान तो अब हो जाइए सतर्क। गर्ल्स हॉस्टल पीजीआ किराए के कमरे में रहने वाली लड़कियां हो जाइए सावधान, छोटी सी लापरवाही से बर्बाद हो सकता है जीवन। देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश निवासी एक महिला के साथ एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर ये महिला पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में किराए के मकान में रह रही थी। आरोप है कि मकान मालिक की बेटी ने एक ऐसी करतूत की जो बेहद घिनौनी है। प्राइवेसी से छेड़छाड़ के कई मामले हमारे सामने रोज आते रहते हैं। इंटरनेट की दुनिया में तो ऐसा लगता है कि कोई सेफ ही नहीं है, लेकिन सोचिए अगर अपने ही घर में ये शक हो जाए कि कोई की आपको लगातार देख रहा है तो यकीनन डर का माहौल और भी बढ़ जाएगा। एक ऐसी ही घटना दिल्ली के शकरपुर इलाके में हुई है जहां किराए पर रह रही यूपीएससी की तैयारी कर रही एक स्टूडेंट के कमरे में लगे बल्ब में स्पाई कैमरा लगा हुआ मिला। दरअसल लड़की जब अपने घर जाती थी तो घर की चाबी मकान मालिक के पास छोड़ देती थी। फिर हुआ ये कि उसमें पाया कि उसके व्हाट्सएप उसके अलावा कहीं और भी लॉगिन है। इस बात की जानकारी उसने पुलिस को दी तो उसमें छानबीन करने पर पता चला कि आईपी एड्रेस उसके मकान मालिक का है। पकड़े जाने पर उसका लैपटॉप जब्त किया गया तो उसमें लड़की के कमरे की रिकॉर्डिंग मिली। इसे शक हुआ कि लड़के ने कैमरे में स्पाई कैमरा छुपाया हुआ है। जांच करने पर कैमरा बल्ब होल्डर के अंदर पाया गया है। अगर आप घर से दूर अकेले रहते हैं या किराए पर रहते हैं तो किसी पर भी आग बंद करके भरोसा ना करें। घर की चाबी अपनी निजी चीज है तो किसी और को देने से पहले खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी हम कई बार होटल में स्टे करने के लिए जाते हैं तो ऐसे में भी हमें सावधान रहना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे कमरे में लगे हिडन कैमरा को पकड़ा जा सकता है। स्मार्टफोन की मदद से कैमरे का पता लगाए, थोड़ा सा भी शक हो तो कमरे में इंफ्रारेड लाइट्स की तलाश करें। फोन के कैमरे से इंफ्रारेड लाइट दिखाई दे सकती है। कमरे की लाइट बंद करके कैमरे खोले और पूरे कमरे में फोन के कैमरे से देखें। अगर कोई ब्लिंक करती लाइट दिखे तो ये हिडन कैमरा हो सकता है। व्हाट्सएप आज के जमाने में इस्तेमाल करने वाला सबसे फेमस ऐप है जिसका इस्तेमाल हर कोई करता है। सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां बहुत से लोगों को फायदा भी होता है लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी हैं। अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है। कई बार हमारा भरोसा वो लोग ही तोड़ देते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, तो किसी पे विश्वास करने से पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फेसबुक पेज में नए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी के लिए केवल इतना ही।